अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, A1 ग्लोबल टीवी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। ब्यूरो चीफ मरीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन एराइयां सिंध जिला जामशोरू की जानिब से आराई सिलाई सेंटर से सिलाई सीखने वाले बच्चियों में सिलाई मशीनें और असनाद की तकसीम के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अंजुमन एराइयां सिंध पाकिस्तान के मरकजी सदर इफ्तखार अहमद आराई ने मरकजी और दीगर अजला के अहदेदारान के हमरा तकरीब में खसूसी शिरकत की। इफ्तखार अहमद आराई का खसूसी वफद के हमरा ज़िला जामशोरू पहुँचने पर फूलों की शानदार इस्तकबाल किया गया। अंजुमन आराइया सिंध ज़िला जामशोरू के अहदेदारान सदर चौधरी अरशद आराई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसफ आराई, फनान सेक्रेटरी नदीम इकबाल आराई और दीगर ने अंजुमन आराइया सिंध पाकिस्तान के मरकजी सदर इफ्तखार अहमद आराई, मरकजी कोआर्डीनेटर इरफान आलम आराई, रियाज आराई, शाहद नदीम आराई, इशफाक मजीद आराई, उमैर आराई, फजल हक आराई, मोहम्मद काशिफ आराई, फातह शहाब आराई, अरशद आराई, लियाकत आराई, पाकिस्तानी और दीगर मुअज्ज़िज़ मेहमानों को फूलों के हार और सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक पेश किया गया। इफ्तखार अहमद आराई, इरफान आलम आराई, नदीम आराई को बोस्की के पटके का तोहफा पहनाया गया। अंजुमन आराइया सिंध पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती ज़िला जामशोरू में चलने वाले आराई सिलाई सेंटर की बच्चियों में सर्टिफिकेट और सिलाई मशीनें तकसीम की गई। तकरीब में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी।